गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 4 सितंबर और हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। तो हमारा है 14 बच्चों का ग्रुप एंड जिसमें से 5 बच्चे रहने वाले हैं अपने घर पे, बाकी हम स्टे करने वाले हैं वहाँ पे गेस्ट हाउस और किसान भवन एंड ऑल पे। तो चलो चलते हैं, अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं, चलते हैं और देखते हैं कैसे रहने वाला है ये सफ़र आज का। पहली बार मैं घर से बाहर जा रही हूँ विदाउट माई फैमिली, तो देखते हैं कैसे रहने वाला है सब कुछ। आई होप सब अच्छा रहे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सफ़र में। तो अभी हम बस स्टैंड पे हैं और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बस आई नहीं है। तो ये लोग खा रहे हैं और अभी हमारा आ रहा है परांठा, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ISBT शिमला और अभी 2 लड़कियां हैं जो हमारे साथ, वो भी आ रहे हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे। बस वो आने वाले 10-15 मिनट में। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी, सारे धूल धूल से बुरा हाल हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कैसा सा है। यहाँ से नीचे को तो अब क्या ही दिखाऊँ मैं आपको। बस में सामान रख के आ गए हैं और थोड़ी देर कुछ खाने बैठे हैं, तो फिर 10:40 पे चलेगी बस, तब तक कुछ खा पी लेते हैं। वैसे मेरा मन नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बाकी मैं जूस वगैरह पी लूँ कुछ। आप अपने आप क्यों नहीं खा रहे हैं? इसे जिस तरह दिया है फिर रुके हैं यहाँ पे, बस रुके थोड़ी देर 10 मिनट के लिए। और जैसे कि हम पूरे सुबह से जब यहाँ भी आ रहे हैं और दुकान दिख रही है, वहाँ पे कुछ खरीद ही रहे हैं, अभी हम कुछ खा रहे हैं और बस भी थोड़ी देर में चलनी पड़ेगी। वो खड़ी है हमारी बस उधर, पहुँच चुके हमें डेस्टिनेशन पर। यहाँ रहने वाले हम किसान भवन बिलासपुर में, जो दूसरे बुक करे थे वहाँ के रूम बहुत ख़राब है, तो अभी हम सभी यहीं आए हैं। तो अभी हिमांग गया है बात करने, बाकी देखते हैं क्या होता है अंदर चल के। और आप हमारी थकी हालत देख सकते हो, कितना सारा हमारे पास सामान है। मेरे तो धूल ही धूल है पूरे मुंह पे। दो रूम असाइन हुए हमें, एक ये एक परे वाला है, दोनों ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है, बाकी परे वाले के साथ नहीं है। तो हम सोच रहे हैं फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, नहा लेते हैं थोड़ा, देखते हैं अभी। तो अभी हम सब फ्रेश हो गए हैं एंड अब हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है। सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था सुबह, एक परांठा खाया था सबने, तो अब ऊपर जा रहे हैं ढाबे में, कुछ खा के आते हैं और फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी यहाँ पे बारिश भी लग गई और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, तूफान वगैरह लगा हुआ था, पर अब नहीं है। तो हम जा रहे हैं सब खाना खाने। तो अभी हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा शिमला जैसी फील आ रही है, शॉप्स वगैरह। दिवांग वगैरह भी की चेन ले रहे हैं क्योंकि इसको बहुत डर है कि चाबी खो जाएगी इससे, लेलड़ से। देख लो क्या खाना ये, कहाँ पे हम अभी? बस स्टैंड, बिलासपुर बस स्टैंड के आसपास हैं हम अभी, आसपास में बिलासपुर बस स्टैंड है। यहाँ बिलासपुर का व्यू देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से है। इधर देखो ब्यूटी क्वीन रेडी हो रही है मुल्तानी मिट्टी लगा के। दोस्तों ये देखो अब तो गया, यही कंटेंट होएगा आज का और थंबनेल भी यही बनाओ। इधर देखो तो अभी हम लोग आ गए थे नीचे से, समोसा खाया, जलेबी खाई, बस थोड़ा ऐसे ही बहुत ही ऑयली सा हो गया आज। अब डिनर करने जाएंगे, ऊपर 15 मिनट का रास्ता है, वहाँ कैंटीन है, तो देखते हैं कैसा सा खाना मिलने वाला है और कैसा रहने वाला है आज का दिन। वैसे थोड़ा सफ़र में थक गया बहुत ज़्यादा, बाकी चादर वगैरह तो ये तो ठीक है, बाकी हमारी दूसरी भी है वो तो बहुत गंदी सीधी मिली है हमारे को, तो
जो यहाँ गिरिजा है उसने मंगवाई दी अपने किसी रिलेटिव से। तो अभी मुस्कान फ्रेश और नहा रही है, फ्रेश हो रही है, नहा रही है, उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने, फिर थोड़ा सा वॉक पे जाएंगे, नीचे देख के आएंगे क्या क्या है, मिलते हैं आपको फिर डिनर पे। तो अभी हम जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर के पास क्योंकि हमें ये जो है ये डालना है फ्रीज़र में। चलो चलो बाहर चलते हैं। नहीं नहीं इतना मैं करूँ, चलो तो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा ऐसा है हमारा। सो दोस्तों दिवांग का स्किन केयर आप देख सकते हो, ये इसकी खूबसूरती का राज है। रोज़ मुल्तानी मिट्टी लगाता है मुंह में और देखो कैसा। अगर आपको पहचाना जा रहा है तो बताना कमेंट करके। बाकी हम रिएक्शन नोट करने आए थे तो ज़्यादा कुछ रिएक्शन हमें मिले नहीं किसी के। दिवांग भी सुन्न हो चुका है इस टाइम क्योंकि ये बो नहीं सकता ना, अब ये थोड़ी सूख चुकी है तो इसके वरना रिंकल्स पड़ जाएंगे, फिर ये जिसका स्किन केयर रूटीन है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा ना इस वजह से, है ना दिवांग? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोल दो। बस अब मैं कल जाऊँगा बिलासपुर डिग्री कॉलेज में, वहाँ लड़कियों से बात करने जाऊँगा। और ये सेम ऐसे ही जाएगा जो इसने भी मुंह पे लगाया ऐसे कर? नहीं नहीं ऐसे तो फिर लड़कियां भाव भी देंगी मुझे। कल मैं आपको फाइनली बस ये ना अपनी मुच्छे करके जाएगा सेट, जैसे इसने अभी करी है ना, है ना सेट? तो मुझे तो खड़ी रहती है क्योंकि हम राजपूत हैं, तो राजपूत की मुझे हमेशा खड़ी रहती है, इसलिए हम खड़ी रखी जाएंगे। मुझे अभी हम खा रहे हैं कैंडी जेली और दिवांग ने तो पिंक वाली खाई है, इसने बोला स्पेशली मैं पिंक वाली खाऊंगा। मैं लेके आती हूं उसके लिए कप। क्या वो कप है ना पिंक वाला? हां यार आपको तो पिंक वाला कप नहीं चाहिए था, गिलास ब्लू वाला, पिंक वाला। अभी इसने यूज नहीं किया होगा ना फेवरेट दिस टाइम यूज कर। तो हम डिनर करने आ गए हैं एंड यहाँ पे विशाल ने कहा सुनो पीछे डोमिनोज भी है, वो देखो कर सकते हैं फिर हम ऑर्डर। तो अब देखते हैं हम अगर वहाँ की भूख लगेगी तो हम रात को ऑर्डर करेंगे पिज्ज़ा। बाकी अभी हम खाने का ढूंढते हैं डिनर, मिलता है अगर कुछ। सो अभी हम डिनर करने आ गए यहाँ पे ढाबे में और यहाँ पे है कड़ी और क्या है दाल छोले मिक्स वेज है, मिक्स वेज और राइस खत्म हो गए तो हमारे को चपाती खानी पड़ी, तो हम डिनर कर लेते हैं फटाफट से। तो डिनर आ गया हमारा है, दाल चने और कड़ी चपाती रायता है और गिरिजा बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए। सो अभी हम सब डिनर करने के बाद यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हम यहाँ थोड़ा अंदर चक्कर लगाएंगे, हिमांग देखने गया कि रास्ता कहाँ से। वैसे तो यहाँ से पर हमें जाना है विशाल मेगा मार्ट, तो देखते हैं कहाँ से होगा रास्ता। और ये यहाँ हीरो बन के फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठ चुका है, ये नहीं इसकी कोई फ़ोटो खींचने नहीं वाला है। तो फॉरेस्ट्री में अभी लगी है, हाँ किसी टाइम तक वो भी ऐसे होगी बड़ी सी। दीवान तो खुशी हो गया, खुशी देखो। बताया हमने व्यूअर्स को कहाँ पे अभी? अभी हम बिलासपुर में। वैसे तो एक मिनट तुमने बोला टॉप फ्लोर, विशाल देखा सही फ्लोर पे डायरेक्ट ऊपर एंट्री सीन ही है, तो सोलन की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है।